हम सब की लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज कंपैरिजन। बिकॉज ऑफ कंपैरिजन वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर लाइफ। हम सब कंपेयर की जाते हैं बाय आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एंड कंपैरिजन सबके साथ होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कि उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, सक्सेसफुल होगा तुम बेटा, कुछ नहीं करने वाले हो। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आपको कंपेयर करता है अपने एक्स से, फिर बेस्ट फ्रेंड से कि उसमें तो ये था, तुम में ये नहीं है, तुम्हारी ये हैबिट बेकार है, उसकी ये हैबिट अच्छी थी। उसके बाद आपके फ्रेंड्स भी आते हैं जो आपको बोलते हैं अरे भाई तू तो बेरोजगार है, उसका तो 1 करोड़ का पैकेज लगा है, तू क्या कर रहा है अभी तक, तेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तू घर पर पड़ा है, सिर्फ रील्स देख रहा है, कम पैसा कमा रहा है, भाई तू मतलब अनसक्सेसफुल रहेगा लाइफ में, तेरी कोई इज्जत नहीं है। लाइक ज्यादा अर्निंग मतलब ज्यादा सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू अ सोसाइटी, बट इन रियलिटी सक्सेस इज ऑल अबाउट द हैप्पीनेस, बिकॉज इन द एंड ओनली दैट थिंग मैटर, हाउ हैप्पी यू वर इन योर लाइफ। आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, यहां तक भाई चलता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आता है आप अपने आप से खुद से किसी और के साथ कंपेयर करते हो, किसी दूसरे के साथ आप कंपेयर करते हो अपने आप को, वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत आता है, एंड दैट इज द वर्स्ट स्टेट यू कैन गो। बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टेंट कंपेरिजन बाय अदर पीपल एंड योर सेल्फ, आप ना एक ऐसी चीज में फंस रहे हो कि लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे अपने फ्यूचर को लेके, कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर फियर ही फियर होगा और कुछ नहीं, एंजाइटी, डिप्रेशन। आप 22-23-24 साल के हो चुके और आप अपने लाइफ को कंपेयर कर रहे हो उस इंसान से जो कि 18 साल का है, एंड दैट इज मोर सक्सेसफुल देन यू एट वेरी यंग एज। कोई लग रहा है वो 18 साल का है, सक्सेसफुल है, ही इज मेकिंग मोर मनी देन यू, यू आर नॉट डूइंग नथिंग इन योर लाइफ। भाई सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये जो फीलिंग होती है रात के 2-3 बजे आती है, सबसे खतरनाक फील होती है। ये जो फीलिंग आती है सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन के कारण ही आती है कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। बट हमको ये समझ में नहीं आता कि सब इंसान अलग अलग हैं, तो सबका एक टाइम के अकॉर्डिंग होगा, सबका एक साथ नहीं होता है। जो इंसान ज्यादा अर्न कर रहा है डज नॉट मीन्स कि वो लाइफ में खुश भी हो, हो सकता है बहुत चीजें वो सफर कर रहा हो, क्या पता अपनी लाइफ वगैरह एंड कर ले, डिप्रेशन एंजाइटी चीज से गुजर रहा हो। और जिस इंसान को आप सक्सेसफुल देख रहे हो एट अ यंग एज, हो सकता है वो 25-30 साल में ब्रोक हो जाए, खत्म हो जाए, बेरोजगार हो जाए, हो सकता है उसको ऐसी वाइफ मिल जाए जो चीटिंग करते हैं, खत्म उसकी जिंदगी, तो कुछ भी हो सकता है। भाई आप इंसान की सिर्फ एक टाइमलाइन को एक साल को आप जस्ट जज कर रहे हो कि ये इंसान सक्सेसफुल हो गया है, और आप इंसान से कॉन्स्टेंट कंपेरिजन कर रहे हो हर एक चीज को। हो सकता है वो आपका स्कूल का फ्रेंड हो, कॉलेज का फ्रेंड हो, या फिर आपके ऑफिस का पर्सन हो। इस दुनिया में हर एक चीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है, अपना अपना टाइमलाइन है हर एक इंसान का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फोकस इन योर लाइफ, योर लाइफ, योर माई फ्रेंड, योर खुद की लाइफ में झांको इंस्टेड ऑफ स्टॉकिंग इन अदर लाइफ। हर एक इंसान की लाइफ भाई बहुत डिफरेंट है, कौन इंसान किस किस चीज से गुजर रहा है यू हैव नो आइडिया। इवन आई माइट लुक हैप्पी इन अ कैमरा, हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ और चीज चल रही हो, बैकग्राउंड में परेशान हो किस चीज। हर एक इंसान का उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनलिटी, उसके बोलने का तरीका, उसकी शक्ल, हर एक चीज भाई कंप्लीटली डिफरेंट है। तो तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो अपने आप को? हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। और बहुत से लोग लगे हैं ना इसका शक्ल वैसा है, मेरा शक्ल ऐसा नहीं है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरे सिक्स पैक नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिकाना, मैं सुंदर नहीं हूँ, वो सुंदर हूँ। भाई एक दिन सबको लोटा में भर के काशी जाना है, वाराणसी जाना है, प्रयागराज जाना है और बह जाना है, यही है जीवन का सत्य। टू बी ऑनेस्ट, द कंपैरिजन विल ओनली मेक योर लाइफ मिजरेबल। इफ यू रियली वांट कि आपकी लाइफ पीसफुल तरीके से गुजरे, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जो लोग आपको इनसिक्योर फील करा रहे, आपको कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन दे रहे हैं, हमेशा कंपेयर कर रहे हैं इसका उसका, तू तेरा ऐसा वैसा है, ऐसे ग्रुप से ऐसे लोगों को देखना बंद करो और ऐसे लोगों से निकल जाओ, ऐसे ग्रुप से। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइस आई विल गिव यू एंड दैट इज, स्कूल कॉलेज की फ्रेंड्स ना भाई से दूर हो जाओ। मतलब सिर्फ 3-4 फ्रेंड्स रखो जो आपके जरूरत के काम के हैं। हर एक फ्रेंड को आपको फॉलो नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज द मोर इन्फॉर्मेशन यू विल सी द मोर अनकॉन्शियसली यू विल कंपेयर योरसेल्फ विद देम। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको किसी सक्सेसफुल दिख रही है, कुछ जलन होगी, आप कंपेयर करोगे तो अच्छा है, उस इंसान से आप कंप्लीटली दूर हो जाओ, उसको फॉलो मत करो, उससे दूर रहो, वो दिखना ही बंद कर दो। सामने मिलता है हाय बाय करो एंड जस्ट अपने रास्ते जाओ, अपने काम करो। दैट्स व्हाट वर्क इन माय लाइफ एंड आई डोंट कंपेयर माय सेल्फ विद अदर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो इंटरनेट पे देखते हैं भैया आप बनते हैं, तो इंटरनेट पे आप अच्छा देखें, अच्छा सुने, बहुत पुराना डायलॉग है बट सही है ये डायलॉग। ऐसे लोग को देखें जहां से आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, लाइफ में कुछ पर्सपेक्टिव मिले। ऐसे लोगों को मत देखो जहां जाके आप डिप्रेस फील कर रहे हो, अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो कि मैं तो ऐसा बेकार हूं, मैं तो ये हूं, उसने बोला है वैसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ। तो ऐसे लोगों को ना देखो, ना दूर रहो, फ्रेंड सर्कल, आस पास, इंटरनेट, हर जगह से दूर रहो। एंड इन द लास्ट, यू शुड अंडरस्टैंड योर लाइफ कॉन्सेप्ट। लाइफ का कॉन्सेप्ट समझो, लाइफ का मीनिंग समझो। लाइफ बहुत कीमती है, हर किसी को ऐसे नहीं मिलती है भाई। जब आप अपने डेथ बेड पे होगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने कितना पैसा कमाया पूरी जिंदगी में, इतना कैलकुलेट नहीं करोगे। आप ये कैलकुलेट करोगे मैं कितना खुश रहा अपनी जिंदगी में। एंड हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट द वन थिंग, इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड इट कम्स फ्रॉम ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन लव। देयर इज ओनली वन हेल्दी कंपैरिजन दैट यू शुड डू एंड दैट इज विद इन योरसेल्फ। मतलब अपने आप को कंपैरिजन करना, दैट इज द ओनली बेस्ट कंपैरिजन यू शुड डू। किसी से कंपेयर नहीं करना, खुद को खुद से कंपेयर करो। अगर खुद से खुद को कंपेयर करोगे तो आप लाइफ में
में ग्रो करोगे और खुद को खुद से कंपेयर नहीं करोगे तो आप वहीं अटके रहोगे और आपका लाइफ खराब हो जाएगा। और अब भी तुमको समझ नहीं आया मेरे भाई कंफ्यूज हो उस कंपेरिजन वाली चीज से, एंड यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये वाला चेकआउट कर लो, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा लाइफ का मीनिंग, देन यू वॉन्ट कंपेयर विद। तो डार्लिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।